खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं। पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला का बयान, रोहतक के विधायक ही नहीं घोटाला करते बल्कि प्रदेश के परिवहन मंत्री भी घोटाले में शामिल हैं। किलोमीटर स्कीम के घोटाले ने सब कुछ उजागर कर दिया है। किलोमीटर स्कीम मुख्यमंत्री की निगरानी में थी, अब मुख्यमंत्री को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। भाजपा कहती थी कि प्रदेश में असामाजिक तत्वों को रोका है, लेकिन आज गुंडा तत्व भी प्रदेश की कार्यकारिणी बैठकों में शामिल होते हैं, उनके मंचों पर बैठे दिखाई देते हैं। प्रदेश सरकार ही गुंडा तत्वों को सह दे रही है। विधानसभा चुनाव में जेजेपी अकेले 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अगली सरकार जेजेपी की होगी। किसानों के खेत आज सूखे पड़े हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि दिल्ली से पैसे लेकर पाकिस्तान का पानी रोकेंगे। इससे साबित होता है कि अपने पेट की भूख मिटाई नहीं जाती और दूसरे की थाली से छीनने का काम कर रही है। दुष्यंत जी, जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, आपकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी के साथ मिलकर के लड़ेगी? नायक जनता पार्टी 90 की 90 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने को आज तैयार है, सक्षम है, और आज के दिन 90 की 90 सीटों की परिस्थितियां जो है वो ये जरूर बयां करती है कि आगामी सरकार अगर प्रदेश में बनेगी तो जननायक जनता पार्टी। एक जिस तरीके से रोहतक से विधायक और सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर, उनके ऊपर उन्हीं के पार्टी के जो पार्षद रह चुके हैं और भाजपा में काफी पदों पर भी रह चुके हैं अशोक खुराना, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि घोटाले ही घोटाले करते जा रहे हैं, जिसके उनके एक केवल मात्र रोहतक के विधायक की बात नहीं। कल जिस प्रकार से हाईकोर्ट के अंदर किलोमीटर स्कीम घोटाला सामने आया और स्वयं मुख्यमंत्री ने माना है कि एक घोटाला हुआ है, इसकी जाँच के अंदर भी ये पाया गया, ये साबित कर देता है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी खुद इन्वॉल्व रहे हैं। और अगर मुख्यमंत्री की निगरानी के अंदर ये सारा मामला हुआ है तो मुख्यमंत्री की ये जिम्मेवारी बनती है कि कड़क एक्शन इस मामले पर ले। जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि हमारे शासन के अंदर ना तो कोई घपला हुआ ना घोटाला हुआ, आज उनके अंदर पेपर लीक होते हैं, पैसे लेते हुए लोग पाए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर पर इस प्रकार से किलोमीटर स्कीम घोटाला करोड़ों रुपये का सामने आता है, जहाँ करोड़ों की लेन देन के बाद परमिट्स प्राइवेट बस चालकों को दिए गए, ये साबित कर देता है कि मुख्यमंत्री के साथ गांठ के बाद हरियाणा प्रदेश के रोडवेज विभाग को फ्लॉप करने के लिए, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करने के लिए इस तरह की स्कीम हरियाणा प्रदेश में बनाई। एक जिस तरीके से मनीष ग्रोवर, हिस्ट्री शीटर जो है रमेश लोहार, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश हो गए और कार्रवाई करने के आदेशों में पहले नहीं हुए थे, बूथ कैप्चरिंग का इनके ऊपर मामला था और जान से मारने की धमकी का मामला था। देखिए, शुरुआत है, जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमने कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों को प्रदेश में रोका है, ऐसे लोग उनके मंचों पर चढ़ते हैं, ऐसे लोग उनके मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ प्रदेश कार्यकारिणी की बैठकों में रहते हैं, ये साबित कर देता है कि जो आज गुंडा तत्व प्रदेश में बढ़ा है, रेप की मर्डर की घटनाएं दिन प्रतिदिन प्रदेश में बढ़ती जा रही है, इसके अंदर पूरी शय ऐसे लोगों को देने का काम मुख्यमंत्री और उनका प्रशासन कर रहा है, पूरी तौर पर ये लोग जिम्मेवार हैं ऐसी परिस्थिति इस प्रदेश में पैदा करने। प्रदेश के तमाम कर्मचारी जो हैं वो कहीं ना कहीं सरकार से खफा नजर आ रहे, क्योंकि प्रदेश सरकार जो है कर्मचारियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। कल को अगर आपकी सरकार आती है तो आप क्या निर्णय लेंगे? HRA की बात हो, मुख्यमंत्री अब कहते हैं कि अगस्त 2019 से HRA लागू करेंगे, जबकि नेशनल गवर्नमेंट ने 2017 में लागू किया है। आज सरकार कहती है हम पंजाब के समान वेतन दें, आज तो हरियाणा कई विभागों के अंदर तो पंजाब से फालतू वेतन देने की बात करता है। सरकार को अगर बैलेंस करना है तो 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट्स को पूरी तरह प्रदेश में लागू करो, उससे कर्मचारियों का पूरा भला भी होगा और कहीं ना कहीं उसको सरकार के विरुद्ध में खड़े होने की भी जरूरत है। विधानसभा चुनाव में आपके मुद्दों के साथ जनता की आज सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार का है, दूसरा अपराध का है, तीसरा प्रदेश के अंदर अगर अहम मुद्दा कोई है तो बिजली पानी का है। आज अधिकतम क्षेत्र ऐसा है जहाँ अभी भी लो रेनफॉल के कारण किसान का खेत सूखे पड़े, और मुख्यमंत्री की ओर से बारी बारी ये कहना कि हम तो दिल्ली से पैसा लेंगे, पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, ये साबित कर देता है कि अपने पेट की भूख तो मिटाई नहीं जा रही और दूसरे की थाली से छीनने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार अगर चाहती तो कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाने के लिए पहले प्रबंध करके रखती, ना कि अपने हिस्से का दिल्ली को पानी देती और फिर पंजाब के और पाकिस्तान के पानी को रोकने की बात। आपने कहा था कि जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश में जितने भी इंडस्ट्री है वहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा,
तो आपने एक मुहिम चलाई थी, वो कब शुरुआत करेंगे? शुरुआत है, 3.5 लाख युवा साथियों ने आज भी फॉर्म रोजगार मेरा अधिकार के भरे, मगर इसके अंदर एक चीज़ देखने की आई कि केवल मात्र 5% हमारी बहनें हैं। हम तो सबसे आग्रह करते हैं, अगर रोजगार में 75% हिस्सेदारी होगी हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की, उसके अंदर हम हिस्सेदारी बनाने का काम करेंगे। और आपका रोहतक जिला ऐसा है जिसके अंदर आज के दिन भी 40-45 हज़ार नौकरियाँ हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया पुराने वाला हो, चाहे जो नया IMT बना उसके अंदर। और एक चीज़ साबित हो जाती कि कहीं ना कहीं वहाँ भी एक ग्लास सीलिंग बना दी गई कि हरियाणा के बच्चों को सिर्फ चौकीदार की हो, ट्रैक्टर चलाने वाले ड्राइवर की हो, आज वहाँ छोटे जो जॉब्स हैं उसके ऊपर तो ज़रूर इम्प्लॉय किया जाता है, मगर जो अहम फैक्ट्री के अंदर जिनको हम ब्लू कॉलर जॉब्स बोलते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं आम हरियाणा के मूल निवासी को पहुँचने पर ग्लास सीलिंग फेस करनी पड़ती, जहाँ दूसरे प्रदेशों को लोगों को प्रेफरेंस दी जाती। हमारी यही मांग है कि सरकार 75% हर रोजगार के अंदर उस युवा साथी को अधिकार देने का काम करे। पूरे प्रदेश में मुहिम चला रखी है, विरोध प्रदर्शन भी सरकार का किया है, और हमारी ये लड़ाई रुकेगी नहीं, इस सरकार को सत्ता से बाहर करने तक एक एक साथी इसके प्रति संघर्ष भी करने का काम। तरीका क्या रहेगा? तरीका तो आप देखिए, अभी हमने युवा साथियों के फॉरम भराए, फिर आगे हम इसका फैक्ट्री मालिकों से मुलाकात कर उनको भी ज्ञापन देंगे, अगर नहीं करेंगे फिर सरकार के विरुद्ध भी लड़ाई लड़ेंगे।